स्किल टीचर देख रहे हैं सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे एडिटर का नाम जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं और उस वीडियो की आउटपुट फाइल में उस वीडियो एडिटर का वाटरमार्क भी नहीं दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जब अगर हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो वीडियो एडिटिंग में हमें चार मेन काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो एडिटर, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। तो जो मेन हमें चार काम करने होते हैं, वो सबसे पहले ये होते हैं कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो कुछ पार्ट उसका ऐसा होता है जिसको हम वीडियो के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, तो उस पार्ट को, उस हिस्से को डिलीट करने का काम हमें मेन करना पड़ता है। उसके अलावा अगला जो काम है वो है दो या 202 से ज़्यादा वीडियोस को आपस में मर्ज करना, आपस में जोड़ना। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम वीडियो को कुछ हिस्सों में बनाते हैं, कुछ हिस्सा हमें किसी और जगह पर बनाया, कुछ हिस्सा हमने किसी और जगह पर बनाया, तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ने के काम को कहते हैं वीडियो को मर्ज करना। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम है, वीडियो की बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करना है, जैसे कि इस वीडियो की बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो काम है वो है अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल ऐड करना। सबटाइटल ऐड करना यानी कि किसी पार्ट में, वीडियो के किसी हिस्से में टेक्स्ट ऐड करना और छोटे छोटे टाइटल ऐड करना। तो ये सारे के सारे काम जो हैं आप एक ऐसे वीडियो एडिटर में सिंपल से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो कौन सा है वो वीडियो एडिटर, चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ। तो दोस्तों, वो वीडियो एडिटर खोलने के लिए आपको डीजे रिकॉर्डर नाम की एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और इस ऐप के अंदर आपको जाना है। चलिए मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर सेटिंग के साथ टूल्स की ऑप्शन दिखाई देगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर एडिट वीडियो की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर टच कर लेते हैं और आपके वीडियो, आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी वीडियो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वाली वीडियो है, ओपन कर लेता हूँ इसका एक पार्ट जो पहले वाला पार्ट मैंने दिखाया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजे रिकॉर्डर का एक वाटर मार्क आ रहा है, इसके ऊपर आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करके आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिमूव हो गया और ये इसकी आउटपुट फाइल में भी नहीं दिखाई देगा। तो इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर हम वीडियो के किसी हिस्से को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये देखिए सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है रिमूव मिडल, तो यहाँ पर मैंने रिमूव मिडल पर क्लिक किया और आप जितने भी हिस्से को रिमूव करना चाहते हैं उस हिस्से को आप क्लिक ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर जो है येलो कलर में ओके बटन बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, तो वो वाला हिस्सा जो है वीडियो का रिमूव हो जाएगा। तो चलिए बैक चलते हैं, दूसरा और दूसरी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर दूसरी ऑप्शन है, अगर आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड म्यूज़िक में जाइए। यहाँ पर आप नीचे एक ऐड म्यूज़िक का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे जो मोबाइल के अंदर जितनी भी ऑडियो फाइल्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हैं। ये जो फाइल है इसको हम ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम इसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम इसके जो ऑडियो है उसकी वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, म्यूज़िक के को अब हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा बैक चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि म्यूज़िक ऐड करने का प्रोसीजर रही है, तो ओके पर बटन आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा हम बैक जाएंगे, नो थैंक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अभी जो मेन काम है सबटाइटल ऐड करने का, यहाँ पर सबटाइटल ऐड कर सकते हैं हम। मान लीजिए हमने किसी हिस्से में सबटाइटल ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड सबटाइटल पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कितने कितने मिनट या कितने सेकंड की टाइमिंग पर जो सबटाइटल शुरू हो और कितने मिनट या कितने सेकंड की टाइमिंग पर वो सबटाइटल जो है एंड हो। तो यहाँ पर इसको शुरुआत से ही कर लेता हूँ। ये लीजिए, यानी कि शुरुआत से ही ये हो जाए और सबटाइटल यहाँ पर हम लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब लिख दिया है और नीचे मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए सब, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब्सक्राइब। तो अभी इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम,
ये देखिए, और इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सबटाइटल को ऐड कर सकते हैं। अब इस सबटाइटल की आपने क्या करना है कि लेंथ को कम करना है, तो यहाँ पर आप यहाँ से ये काम भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए कि कितनी देर तक सबटाइटल आपका दिखाई देता रहे, वो आपको यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बैक जाते हैं, तो नेक्स्ट जो काम है, आप अपनी वीडियो के अंदर इंट्रो भी लिखा सकते हैं कि यानी कि वीडियो शुरू होने से पहले कुछ टेक्स्ट लिखा आए, कुछ टाइटल लिखे आए। इसके अलावा वीडियो के अंदर बैकग्राउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप ऑप्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं वीडियो का इतना ही हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो इतना हिस्सा ही वीडियो का आपको शो होगा। इसके अलावा वीडियो को आप स्लो मोशन में दिखाना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा फास्ट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से स्पीड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये स्लो हो जाएगी और यहाँ से ये फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, बैक चला जाता हूँ। और यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो को रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इसकी सेटिंग, यहाँ पर इसको हम ट्रिम भी कर सकते हैं अगर ट्रिम करना चाहते हैं। तो ये था एक बहुत ही सिंपल और कंप्लीट वीडियो एडिटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।